हेलो एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पीपल टीचर में। मैंने आप लोगों के साथ केवीएस पैडागॉजी की एक स्पेशल सीरीज यहाँ पे शुरू की है। आज इस सीरीज का हम डे 14 करने वाले हैं, जिसके अंदर मैंने आप लोगों के साथ जो यूनिट 4 स्टार्ट की थी, यानी कि स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप, इसको मैं आपके साथ कंटिन्यू करूंगी। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और इस यूनिट में आपको दिक्कत आ रही है तो डे 13 वाली क्लास भी आप देख लेना। इसके अंदर हम लोगों ने जो स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप की डे 1 की क्लास की थी, यानी कि इसके पहले वाली जो क्लास थी वहां से हमने यूनिट 4 स्टार्ट की है। और आज आपकी यूनिट 4 का सेकेंड डे है, जिसके अंदर मैं आप लोगों के साथ ये जो स्कूल ऑर्गेनाइजेशन का प्रोसेस है, इसके अंदर स्कूल के अंदर कई सारी ऐसे प्रोसेसेस होती हैं, स्कूल के अंदर कई सारी ऐसी प्रक्रियाएं होती है जिनको मैं डिस्कस करना चाहती हूँ, जिसकी मदद से हमारा जो स्कूल है ये चलता है। अब देखिए, अगर मैं स्कूल प्रोसेसेस की बात करूँ, यानी कि स्कूल के अंदर जो प्रक्रिया चलती है उसकी मैं बात करती हूँ, तो देखिए ये कुछ ऐसे प्रोसेसेस होते हैं, ये कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिसकी मदद से हमारा जो स्कूल होता है ये क्या करता है, ये आपका वर्क करता है। यानी कि हमारे स्कूल के फंक्शंस के अंदर, यानी कि कार्यों के अंदर ये सारी चीजें आ जाती हैं। अब जैसे क्या क्या चीजें आ जाती हैं ये जरा अगर हम डिस्कस करें, तो देखिए सबसे पहले आता है हमारा एडमिशन प्रोसेस। जब कोई साल आपका स्टार्ट होता है, सबसे पहला जो काम होता है स्कूल प्रोसेसेस के अंदर, वो आपका होता है यहाँ पे प्रवेश प्रक्रिया जो होती है हमारी। एडमिशन प्रोसेस जो होता है, इसके लिए एक अलग से गाइडलाइन आपका बना हुआ है। इस गाइडलाइन के तहत यहाँ पे आपका स्कूल में यहाँ पे एडमिशन का प्रोसेस होता है, जिसमें EWS कैटेगरी के कुछ बच्चों को यहाँ पे लिया जाता है, आपके कुछ यहाँ पे आपके जनरल बच्चों को लिया जाता है। एडमिशन का अलग अलग क्राइटेरिया होता है। RTE के अनुसार अगर कोई छोटा बच्चा है तो उसके घर और उसके स्कूल की दूरी कितनी होनी चाहिए, ये सारी चीजें यहाँ पे सेट की गई है। तो ये सारा एडमिशन प्रोसेस के अंदर आता है। अगर कोई बच्चा किसी एक स्कूल से दूसरे स्कूल में जाना चाहता है तो उसे ट्रांसफर सर्टिफिकेट दिया जाता है स्कूल द्वारा, और ये देना एक स्कूल के लिए अनिवार्य होता है। ये सारी चीजें आपके एडमिशन प्रोसेस के अंदर आएगी। अब जब बच्चे का एडमिशन हो जाता है तो उसके बाद जो दूसरा प्रोसेस होता है वे क्या होता है, वे टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस होता है। यानी कि यहाँ पे शिक्षण और सीखने, यानी कि अधिगम का प्रोसेस होता है, जिसके अंदर यहाँ पे हमारे टीचर्स आ जाएंगे और टीचर्स के साथ साथ यहाँ पे हमारा स्टूडेंट आ जाएगा। तो देखिए इन दोनों के बीच में जो लिंक होता है, इन दोनों के बीच में किस तरीके का एक एनवायरमेंट है, किस तरीके के वातावरण में ये बच्चा सीख रहा है, ये आपका निर्भर करता है टीचर और स्टूडेंट के बीच के संबंध के साथ। तो ये प्रोसेस भी किसके अंदर आ जाएगा, हमारा स्कूल प्रोसेसेस के अंदर आ जाएगा। इसके अलावा देखिए, अब जो स्कूल में जो टीचर पढ़ा रही है और जो बच्चा यहाँ पे पढ़ रहा है वो कहाँ तक सीमित है, वो हमारा पाठ्यक्रम तक सीमित है। यानी कि हमारा पाठ्यक्रम किस तरीके से होना चाहिए, हमारा पाठ्यक्रम यहाँ पे किस तरीके से होना चाहिए, ये इनरिच होना चाहिए। इनरिच यानी कि ये समग्र होना चाहिए, कि आपके अकेडमिक और नॉन अकेडमिक प्रोसेसेस को ये साथ में लेके चले। तो देखिए हमारा जो करिकुलम है वो इस तरीके से होना चाहिए जो बच्चे को आउटसाइड वर्ल्ड के साथ यहाँ पे जोड़ के रखे। तो ये प्रोसेस भी कहाँ पे आ जाएगा, ये प्रोसेस भी स्कूल प्रोसेसेस के अंदर आ जाएगा। देखिए एक बच्चा स्कूल में जब आपका एनरोल करता है तो उसका सबसे पहले एडमिशन प्रोसेस होता है। ऐसा ही नहीं कि आप लोगों ने एक दिन सोचा कि हम चलो स्कूल चलते हैं और डायरेक्ट आप जाओगे, इसका एक प्रोसेस होता है। इसको आप फुलफिल करोगे तब जाके आपका टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस शुरू होगा। टीचिंग लर्निंग का जो प्रोसेस शुरू होगा उसमें एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है करिकुलम का, यानी कि पाठ्यक्रम का। तो देखिए करिकुलम करके भी एक यूनिट हमें, एक यूनिट के अंदर एक पॉइंट हमें अलग से दे रखा है, ये भी हमें पढ़ना है। अब देखिए यहाँ पे एडमिशन हो गया, बच्चा पढ़ने लगा, पढ़ते पढ़ते वो साथ ही साथ यहाँ पे करिकुलम को वो फॉलो कर रहा है, वो और टीचर साथ में फॉलो कर रहे हैं। बट यहाँ पे हम लोगों को बच्चे का यहाँ पे मूल्यांकन भी करना है, यहाँ पे बच्चे का हमें असेसमेंट इवैल्यूएशन भी करना है। और इसके लिए हमें बता रखा है कि हमें किस तरीके का इवैल्यूएशन करना है, हमें CCE के तहत हमें बच्चे को पढ़ाना है, बच्चे को सिखाना है, और हम इसके तहत हम सारी चीज़ें यहाँ पे करेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे बच्चा पढ़ रहा है और साथ साथ बच्चा सीख भी रहा है, बच्चे की लर्निंग भी हो रही है। बट कहीं ना कहीं हम लोगों को बच्चे की हेल्थ का, यानी कि उसके स्वास्थ्य का, उसके सेफ्टी यानी कि उसके सुरक्षा का, और क्लीननेस यानी कि स्वच्छता का हमें ध्यान रखना है। तो देखिए यहाँ पे फिजिकल मेंटल हेल्थ की यहाँ पे बात की गई है। तो हमें जो आपके लर्निंग के जो मेन तीन आपके डोमेन है, यानी कि जो आपके कोग्निटिव,
अफेक्टिव और जो साइकोमोटर डोमेन है, हमें इन तीनों डोमेन्स को लर्निंग प्रोसेसेस के साथ यहाँ पे लेके चलना है। और साथ ही साथ हम लोगों को ये देखना है कि स्कूल को जो फाइनेंशियल रिसोर्सेस हैं वो किस तरीके से मिल रहे हैं। तो देखिए, स्कूल के पास भी वो सारे के सारे आपके संसाधन होने चाहिए, वे सारे के सारे रिसोर्सेस होने चाहिए जिसके मदद से एक स्कूल बढ़िया तरीके से चलेगा। अब देखिए, ये तो हो गए स्कूल के अंदर जो आपके प्रोसेसेस होते हैं। अब स्कूल के अंदर जो मेन प्रोसेसेस होते हैं वो तो मैंने आपको बताया, बट साथ ही साथ स्कूल के अंदर हमारे जैसे टाइम टेबल बनाया जाता है, टाइम टेबल के साथ साथ आपका एक एनुअल कैलेंडर होता है, यानी कि पूरे साल भर में आपका जैसे एनुअल कैलेंडर के अंदर हमें क्या चीज़ें मेंशन होती है कि आपका फर्स्ट टर्म का एग्जाम कब होगा, फाइनल एग्जाम कब होगा, कितने ऑटम ब्रेक होंगे, कितने समर ब्रेक होंगे, वो सारे के सारे आपके एनुअल कैलेंडर के अंदर आते हैं। इसके अलावा एक टाइम टेबल होता है, टाइम टेबल में आपका होगा कि कितने घंटे के आपके पीरियड होंगे और साथ ही साथ कौन से फर्स्ट पीरियड में कौन से टीचर आएंगे, सेकंड पीरियड में कौन से टीचर आएंगी। तो देखिए, इसके अलावा एक टीचर्स कैलेंडर भी अलग होता है, स्कूल में असेंबली भी होती है, ये सारे भी आपको ये स्कूल प्रोसेसेस के अंदर आ जाएगा। तो चलिए इस एरिया को भी जरा कवर करते हैं ताकि ये टॉपिक हमारा अच्छे से कवर हो सके। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो हमारे स्कूल प्रोसेसेस है इनमें क्या क्या चीजें यहाँ पे शामिल है जो कि हमारे स्कूल को अच्छी तरीके से चलाने में मदद करते हैं। तो देखिए, अगर मैं यहाँ पे स्कूल प्रोसेसेस की बात करूँ तो स्कूल प्रोसेसेस में यानी कि स्कूल की प्रक्रिया में सबसे पहले सुबह जो होता है हमारी असेंबली टाइम होती है, यानी कि जो मॉर्निंग प्रेयर आपका कहलाती है इसको हम असेंबली बोलते हैं, जिसमें सारे बच्चे यहाँ पे क्या होता है, सारे बच्चे यहाँ पे इकट्ठा होते हैं। अगर कोई इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट करनी होती है तो प्रेयर टाइम में की जाती है, साथ ही साथ यहाँ पर अगर कोई नया इवेंट यहाँ पे है तो यहाँ पे किया जाता है, साथ ही साथ अगर कोई स्पेशल डे है तो यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। सुबह सुबह यहाँ पे न्यूज़पेपर की जो हाइलाइट्स होती हैं वो यहाँ पे रीड की जाती है। तो देखिए, यहाँ पे एक पॉजिटिव वाइब्स बच्चों के अंदर आती है और यहाँ पे सारे ही टीचर्स अपने अपने क्लास के साथ यहाँ पे खड़े होते हैं, सभी यहाँ पे इकट्ठा होके एक नए दिन की यहाँ पे शुरुआत करते हैं। तो जो स्कूल प्रोसेसेस होता है उसके सबसे पहले जो शुरुआत होती है वो हमारे कहाँ से होती है, वे हमारी असेंबली से यहाँ पे शुरुआत होती है। इसके बाद देखिए, इसके बाद अगर हम स्कूल प्रोसेसेस की बात करें तो स्कूल प्रोसेसेस में जो हमारा इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है वो यहाँ पे टाइम टेबल का होता है। अब देखिए, यहाँ पे टाइम टेबल को सेकेंड क्लॉक यहाँ पे कहा गया है हमारे स्कूल का, सेकेंड क्लॉक ऑफ स्कूल। अब देखिए, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग हमें पता होता है कि फर्स्ट पीरियड इतने मिनट का है, सेकेंड पीरियड इतने मिनट का, थर्ड पीरियड इतने मिनट का, फोर्थ पीरियड इतने मिनट का है, और देखिए फोर्थ पीरियड के बाद होता है लंच ब्रेक जो कि लगभग आपका 11:30 बजे होता है। तो अगर फोर्थ पीरियड खत्म होने वाला है तो बच्चे के माइंड में होता है कि 11:30 बजने वाले हैं, और अगर फोर्थ पीरियड यहाँ पे खत्म हो गया तो 11:30 बज गए हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे जो हमारा जो एक टाइम टेबल होता है वो हमारे स्कूल में यहाँ पे सेकेंड क्लॉक का यहाँ पे काम करता है। अब देखिए, टाइम टेबल भी कई सारे तरीके के होते हैं और टाइम टेबल में सबसे पहले होता है आपका सामान्य यहाँ पे आपका टाइम टेबल होता है, जिसमें आपका सारे स्कूल की हर क्लासेस का यहाँ पे टाइम टेबल जो होता है मेन आपके बुलेटिन बोर्ड में यहाँ पे हाईलाइट किया जाता है। एक तो आपका ये जनरल आपका टाइम टेबल होता है जिसमें आपको पूरे स्कूल का पता चलेगा कि इस क्लास में इस पीरियड में ये टीचर आपको पढ़ा रही होंगी, मतलब यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज हम लोगों को चीजें मेंशन होती है। इसके बाद एक होता है क्लास टाइम टेबल, एक पर्टिकुलर क्लास के बाहर भी हमारे यहाँ पे बोर्ड लगे होते हैं और उसमें आपका टाइम टेबल मेंशन होता है जिससे हमें पता चल जाता है, जैसे कि थर्ड पीरियड है तो थर्ड पीरियड में यहाँ पे साइंस क्लास चल रही होगी और साइंस ये टीचर यहाँ पे पढ़ाती है। तो बेसिकली एक होता है आपका क्लास वाइज टाइम टेबल और साथ ही साथ एक होता है टीचर्स टाइम टेबल। टीचर्स टाइम टेबल कहाँ पे होता है, टीचर्स टाइम टेबल आपको स्टाफ रूम में ये मिल जाएगा, जिससे यहाँ पे टीचर्स को भी अवेयरनेस होती है कि ये टीचर अभी इस पीरियड में इस क्लास में पढ़ा रही होंगी। और साथ ही साथ ये जो टीचर्स टाइम टेबल होता है इसकी एक कॉपी प्रिंसिपल रूम में भी होती है ताकि प्रिंसिपल को भी पता चले, प्रिंसिपल को भी पता होना चाहिए कि कौन सी टीचर कौन से पीरियड में कौन से क्लास में भी पढ़ा रही है। इसके बाद एक होता है आपका गेम्स टाइम टेबल। गेम्स टाइम टेबल को अलग इसलिए रखा है ताकि बच्चे का जो फिजिकल ग्रोथ हो वो यहाँ पे बढ़िया तरीके से हो। तो देखिए, फिजिकल डेवलपमेंट के लिए एक गेम्स पीरियड यहाँ पे अलग से, गेम्स का एक टाइम टेबल अलग से होना चाहिए,
जिसमें आपकी ये चीज का ध्यान रखा जाए कि कोई दो क्लासेस यहाँ पे क्लैश ना करे, या फिर किसी का अगर मेन कोई सब्जेक्ट है तो वो मेन सब्जेक्ट की जगह कोई गेम्स का पीरियड ना लग रहा हो, या फिर गेम्स के पीरियड की जगह कोई और सब्जेक्ट यहाँ पे ना लग रहा हो। तो इस तरीके से आपका टाइम टेबल भी जो है ये आपका स्कूल प्रोसेसेस के अंदर यहाँ पे आपका एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों? क्योंकि अगर हम देखें तो स्कूल जो होता है ये टाइम टेबल के हिसाब से ही आपका चलता है। जो स्कूल में प्रॉपर डिसिप्लिन नाम की कोई चीज अगर है तो वो किस वजह से है? वो आपका टाइम टेबल की वजह से है कि अगर 40 मिनट का पीरियड है तो 40 मिनट ये टीचर इस क्लास में होनी चाहिए, इस क्लास में पढ़ा रही होनी चाहिए। तो देखिए, जो हमें अनुशासन सिखाता है स्कूल के अंदर, यानी कि स्कूल प्रक्रिया में, यहाँ पे जो स्कूल प्रोसेस के अंदर जो आपका डिसिप्लिन का फैक्टर है वो कौन लेके आता है? वो हमारा टाइम टेबल लेके आता है। अगर आप फ्यूचर में टीचर बनोगे तो आपको भी ये टाइम टेबल सेट करना होगा, आपको भी टाइम टेबल के अकॉर्डिंग चलना होगा। तो इस वजह से ये चीजें यहाँ पे आपकी इंक्लूड की गई हैं। इसके अलावा देखिए, स्कूल प्रोसेसेस में एक सबसे इंपॉर्टेंट एरिया होता है आपका एनुअल कैलेंडर का। अब देखिए, ये जो पूरे सालाना आपके कैलेंडर होता है इसका क्या रोल है? इसकी मदद से हमें पता चलता है कि मिड टर्म एग्जाम कब होने वाले हैं, आपके फाइनल एग्जाम कब होंगे, आपकी वेकेशन कितनी होंगी, यानी कि छुट्टियां कितनी होंगी, चाहे वो टीचर्स की हो चाहे वो स्टूडेंट्स की हो। साथ ही साथ ये जो एनुअल कैलेंडर है ये किस हिसाब से बनाया जाता है, ये देखा जाता है कि पिछले साल का फीडबैक क्या रहा, उस चीज को देखा जाता है। एक फाइनल ड्राफ्ट यहाँ पे तैयार किया जाता है कि इस साल हम लोग इस हिसाब से पढ़ाएंगे, इस टाइम में ये एग्जाम हो जाएगा, इस टाइम में ये यूटी वगैरह कंडक्ट होंगे। फाइनल ड्राफ्ट बनाने के बाद प्रिंसिपल से कंसल्ट किया जाता है, प्रिंसिपल से सलाह ली जाती है। प्रिंसिपल से सलाह लेने के बाद यहाँ पर जो टीचर्स इसको फाइनल एक बार और रिव्यू करते हैं, रिव्यू करने के बाद सबके बीच में आपस में कम्युनिकेशन होता है और फाइनली इसे यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जाता है। इस तरीके से आपका जो एनुअल कैलेंडर है ये तैयार किया जाता है। अब देखिए, ये टॉपिक आपका स्कूल प्रोसेसेस का यहाँ क्यों डाला गया है? क्योंकि अगर हम देखें तो आपका जो पूरी यूनिट का नाम है वो है स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप। तो देखिए, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि स्कूल के अंदर जो चीजें हो रही हैं तो आपको स्कूल के अंदर के प्रोसेसेस पता होने चाहिए। सबसे पहले तो एक अलग सा वो मोटे मोटे तौर पर एडमिशन प्रोसेस, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, आपके अकेडमिक प्रोसेस, इवैल्यूएशन प्रोसेस, वो चीजें अलग है। बट अगर आप डे टू डे तरीके से देखें तो स्कूल में असेंबली होती है, ये भी स्कूल के प्रोसेसेस के अंदर आता है। साथ ही साथ स्कूल जिस हिसाब से चलता है, स्कूल के अंदर जो चीजें जिस हिसाब से हो रही हैं वो आपका यहाँ पे टाइम टेबल आपका डिसाइड करता है। टाइम टेबल को स्कूल का क्या बोला जाता है? सेकेंड क्लॉक बोला जाता है। क्यों? क्योंकि टाइम टेबल के हिसाब से आप एक अंदाजा लगा सकते हो कि आपके स्कूल की छुट्टी होने वाली है। जैसे कि अगर 8th पीरियड स्टार्ट हो गया तो आपको पता है कि 2 अब बजने वाले हैं, अब हमारी जो छुट्टी होने वाली है। इस वजह से टाइम टेबल को स्कूल का सेकेंड क्लॉक बोला जाता है। ये एक डिसिप्लिन का फैक्टर है। इसके मदद से यहाँ पे जो बच्चे हैं, जो टीचर्स हैं, जो पूरा स्टाफ है वो डिसिप्लिन में रहता है। क्यों? क्योंकि हर किसी को पता होता है कि कौन सी टीचर कौन सी क्लास में भी बैठी है। जो टीचर्स टाइम टेबल होता है ये स्टाफ रूम में होने के साथ साथ ये प्रिंसिपल रूम में भी होता है। तो टीचर्स को भी ये होता है कि हमें भी अपने ऊपर कोई है जिनको जवाब देना हो सकता है, तो वो अपनी ड्यूटी अच्छे से निभाती हैं। साथ ही साथ बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का भी ध्यान रखा जाता है, वृद्धि और विकास का भी ध्यान रखा जाता है। इसके अलावा हमारे एनुअल कैलेंडर होते हैं जिसे हमें पूरे वार्षिक तौर पे, पूरे सालाना तौर पे हमें पता होता है कि पूरे साल भर में क्या क्या चीजें होंगी, किस किस तरीके की एक्टिविटी होंगी, किस किस तरीके के गेम्स पीरियड होंगे, ये सारी चीजें यहाँ पे मेंशन की जाती है। तो देखिए, इस तरीके से आपका स्कूल प्रोसेसेस का टॉपिक यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। आई होप इस सेशन से आपको यहाँ पे स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप के अंदर आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है, किस किस तरीके से आपके पेपर में चीजें आ सकती हैं, वो आपको क्लियर हो रहा होगा। देखिए, अगर सिलेबस को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बहुत टफ या फिर बहुत इजी आप नहीं बोल सकते। वही चीजें हैं जो कि आपको स्कूल के आसपास आपको बांध के रखेंगी। अगर आप फ्यूचर में टीचर बनते हैं तो आपको इन सब चीजों को जानना, इन सब चीजों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि एज अ टीचर आपको असेंबली, आपको टाइम टेबल, आपको एनुअल कैलेंडर, आपको हर किसी का भाग बन के रहना है स्कूल के अंदर। इस वजह से आपकी ये यूनिट यहाँ पे इंक्लूड की गई है। साथ ही साथ मैंने लीडरशिप मॉडल, लीडर और लीडर के क्या क्या आपके क्वालिटी होते हैं, क्या क्या रोल होते हैं, वो मैंने आपका डे 13 में डिस्कस किए थे।
आज आपका ये हो गया डे 14। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, ये वीडियो आपको पसंद आई है, तो इससे पहले की डे 13 तक की सारी वीडियोस आप देख सकते हैं, आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, और प्लेलिस्ट सेक्शन में भी आप केवीएस पैडागॉजी 30 डे सीरीज करके आप देख सकते हैं। आई होप इस सेशन से आपको ये स्कूल प्रोसेसेस का ये जो टॉपिक है ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब चलिए मैं आप लोगों के साथ कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करना चाहती हूँ, और देखिए मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपका 8 से 10 फरवरी के अंदर जो मोटे मोटे टॉपिक है आपके वो कवर करा पाऊँ। इसके बाद एक या दो सेशन मैं आपके पैडागॉजी के मैराथन क्लासेस को लेके आऊंगी। देखिए मुझसे जितना हो पाएगा मैं उतनी कोशिश कर रही हूँ, बाकी तैयारी आपको करनी है, बिना पैनिक हुए आराम से तसल्ली से तैयारी कीजिए। देखिए हमने जब अभी शुरुआत किया था हम डे 14 तक पहुंचे गए, यानी कि कम बोलने पे भी 14 टॉपिक आपने अलग अलग यूनिट के या यूनिट 1 के और साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो तो कर ही लिए। आगे आने वाले टाइम में भी आप बाकी चीजें कर ही लेंगे, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। टेंशन लोगे तो चीजें अपने आप खराब होगी। आई होप इस सेशन से आपको हेल्प मिली होगी। अब चलिए मैं डायरेक्ट आपको क्वेश्चन शो करूंगी जो कि आप हम सॉल्व करने वाले हैं। अब चलिए मैं आप लोगों के साथ कुछ प्रश्नों को यहाँ पे डिस्कस करना चाहती हूँ जो कि अभी केवीएस के आपके डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम हुए हैं उसके अंदर हमसे पैडागॉजी पूछी गई है, जिसके अंदर आपके स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप के भी कुछ क्वेश्चन आपके देखने को मिले थे। अब देखिए मैंने आज आपके साथ यहाँ पे स्कूल प्रोसेसेस को डिस्कस किया, यानी कि स्कूल के अंदर होने वाली जो प्रक्रियाएँ हैं इसको कवर किया। तो देखिए ये जो स्कूल प्रोसेसेस होती हैं इनके अंदर एक आपका टाइम टेबल भी यहाँ पे इंक्लूड किया जाता है। तो देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट टाइम टेबल, इनमें से कौन सा कथन हमारा टाइम टेबल को लेके यहाँ पे सही नहीं दे रखा। तो देखिए यहाँ पे नेगेटिव वाले ऑप्शन को, नॉट वाले ऑप्शन को आपको चूज करना है। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन के पहले ऑप्शन में क्या दे रखा है, इट इन्हांस इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन अमंग टीचर, यानी कि जो टाइम टेबल होता है ये टीचर्स के अंदर, शिक्षक के अंदर यहाँ पे क्या लेके आता है, इंटरेस्ट यानी कि रुचि लेके आता है, और साथ ही साथ यहाँ पे उन्हें मोटिवेट भी करता है। तो देखिए ये ऑप्शन इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि नॉट वाले ऑप्शन को आपको चूज़ करना है। इसके अलावा अगर हम तीसरे ऑप्शन को देखें तो देखिए तीसरा ऑप्शन में क्या बोल रखा है, इट प्रोवाइड बैलेंस इंपॉर्टेंस टू बोथ टीचर एंड स्टूडेंट, यानी कि ये एक तरीके से टीचर्स और स्टूडेंट यानी कि शिक्षक और बच्चों के बीच में, विद्यार्थियों के बीच में एक तरीके से बैलेंस इंपॉर्टेंस यानी कि दोनों को ही एक समान देखता है, इस तरीके का इंपॉर्टेंस देता है, महत्व देता है। तो देखिए ये भी पॉजिटिव सेंस में, इसलिए ये भी नहीं हो सकता। लास्ट ऑप्शन अगर देखें, इट हेल्प डेवलप रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन वैल्यू, यानी कि ये मानव को लेके जो एक तरीके से उनके वैल्यूज़ हैं, जो उनके विचार हैं, जो उनके आइडियल्स हैं, उनको लेके एक रिस्पेक्ट डेवलप करता है। तो देखिए ये भी पॉजिटिव सेंस में। अगर हम दूसरे ऑप्शन को देखें तो यहाँ पे बोल रखा है इट हेल्प रिड्यूस रिजिडिटी, अब देखिए जो फिक्स चीज़ें हैं उसको रिड्यूस करने में ये मदद करता है। तो ऐसा कुछ यहाँ पे टाइम टेबल के अंदर नहीं किया जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन का सेकेंड जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि आपके किस तरीके के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। अब देखिए ये तो आपका वो पेपर है जो ऑलरेडी हो गया है, बट एक आइडिया हमें लग जाता है जो कि हम लोगों को चीज़ें करने में मदद करता है। अब देखिए क्योंकि हम स्कूल ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं और स्कूल ऑर्गेनाइजेशन की यूनिट को कवर कर रहे हैं, तो स्कूल ऑर्गेनाइजेशन में स्कूल के जो हेड टीचर होते हैं वो तो आते ही हैं। तो देखिए हेड टीचर यहाँ पे, अ गुड हेड टीचर इज़ वन हु, एक गुड हेड टीचर कौन होगा जिसके अंदर किस तरीके के आपके लक्षण होंगे। तो देखिए यहाँ पे अगर हम पहले ऑप्शन में देखें तो स्ट्रिक्टली शब्द आ रहा है, स्ट्रिक्टली शब्द जो है वो एक नेगेटिव सेंस में चला जाएगा, तो ये आपका होगा नहीं। अब देखिए पहले ऑप्शन में क्या था, अंडरस्टैंड प्रिंसिपल ऑफ गुड एडमिनिस्ट्रेशन एंड अप्लाई देम स्ट्रिक्टली, यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसको अच्छे से, उसके प्रिंसिपल्स को समझे और उसको स्ट्रिक्टली अप्लाई करें। अब देखिए स्ट्रिक्टली वर्ड से ये नेगेटिव सेंस में चला गया, इसलिए ये ऑप्शन नहीं हो सकता। सेकेंड ऑप्शन की बात करें तो अलाउ फ्रीडम टू स्टूडेंट एंड टीचर, अब देखिए यहाँ पे सिर्फ डायरेक्ट फ्रीडम देना, वो भी सिर्फ टीचर्स को भी, स्टूडेंट्स को भी, सबको फ्रीडम देने से क्या होगा, इनडिसिप्लिन क्रिएट होगा, तो ये ऑप्शन भी यहाँ पे नहीं हो सकता। अगला है लव डिसिप्लिन एंड डज नॉट कॉम्प्रोमाइज मिसकंडक्ट मिसबिहेवियर, अब देखिए ऐसा आपका मतलब एक हेडमास्टर होना चाहिए जो कि डिसिप्लिन को सख्त तरीके से पसंद करे और मिसबिहेवियर के साथ बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करे। तो देखिए ऐसे प्रिंसिपल क्या होंगे, इससे बच्चे डरेंगे, टीचर्स में भी खौफ होगा, तो ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पे है, यहाँ पे बोल रखा है कि
जो गुड हेड टीचर होते हैं वो फ्लेक्सिबल अप्रोच यहाँ पे अपनाएं और एक कोऑपरेटिव तरीके से ह्यूमन टच के साथ, यानी कि दूसरों के संवेदना के साथ समझते हुए उन्हें एक तरीके से ह्यूमन टच के साथ दूसरों के साथ कनेक्ट रहें। तो देखिए ये पॉइंट यहाँ पे सही जाएगा, क्योंकि एक हेड टीचर यानी कि जो एक लीडर होता है वो कैसा होना चाहिए, वो एक फ्लेक्सिबल अप्रोच के साथ अपने आप काम करे और साथ ही साथ सबको साथ में लेते हुए कोऑपरेटिव तरीके से काम करे, ऐसा एक लीडर होना चाहिए। और लीडर क्या है, लीडर यहाँ पे हेड टीचर का ही काम कर रहे हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। और इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें किसी तरीके के कंटेंट को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हमें यहाँ पे क्वेश्चंस के ऑप्शंस को ही गौर करना है। अब देखिए इसके अलावा आपका इस पेपर के अंदर भी कुछ और क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे, जो कि मुझे लगा कि स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप से आपका डायरेक्ट लिंक रखते, इस वजह से मैं आपके साथ ये पेपर यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने ऑलरेडी जो पिछले आपके जो डेज के जो क्लासेस लिए हैं उनमें भी आपके इस पेपर के क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। ओवरऑल आपके क्वेश्चंस अगर आप उन वीडियोस को देखते हैं तो वहाँ पे आपके कवर हो जाएंगे। अब चलिए मैं आप लोगों के साथ कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करना चाहती हूँ, जो कि आपका यहाँ पर किससे बेस्ड है, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन पे बेस्ड है। अब देखिए यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है कि एक स्कूल प्रिंसिपल, अ स्कूल प्रिंसिपल इन एन इंस्ट्रक्शनल प्रस्पेक्टिव फोकस ऑन, जो स्कूल का प्रिंसिपल होगा वो इंस्ट्रक्शनल प्रस्पेक्टिव यानी कि किसी चीज़ के बारे में इंस्ट्रक्शन देते हुए किस तरीके के प्रस्पेक्टिव को वो फॉलो करे। अब देखिए यहाँ पे ये है कि पहले ऑप्शन में इन्फ्लुएंस द स्कूल स्टाफ बाय अपीलिंग टू नोटेशन ऑफ राइट एंड रॉन्ग। अब देखिए यहाँ पे बोल रखा है कि स्कूल प्रिंसिपल जब वो इंस्ट्रक्शन दे तो वो यहाँ पे स्कूल के स्टाफ को अपील करे कि क्या चीज़ राइट है या क्या चीज़ रॉन्ग है, इस चीज़ को मतलब सही गलत को लेके इन्फ्लुएंस करे। साथ ही साथ इन्फ्लुएंस द अदर मेंबर ऑफ स्कूल कम्युनिटी। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये ऑप्शन कहीं ना कहीं सही हो सकते हैं, बट स्कूल प्रिंसिपल जब इंस्ट्रक्शन देंगे तो वो जो बात बोलेंगे उससे क्या होगा कि वो उनकी जो इम्पोर्टेंस है वो चीज़ यहाँ पे रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। जो स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं, जो इंस्ट्रक्शनल प्रस्पेक्टिव उनका क्या होना चाहिए कि वो अगर कोई बात बोलें तो वो बेसिकली स्कूल की इम्प्रूवमेंट, बच्चों की अचीवमेंट पे होनी चाहिए, ना कि वो डायरेक्ट यहाँ पे एक लीडर बनके पूरी कम्युनिटी को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं या फिर अपने स्टाफ को यहाँ पे इतना कैपेबल बना रहे हैं कि यहाँ पे वो एक तरीके से कमिटमेंट करें राइट रॉन्ग। अब देखिए यहाँ पे वो एक लीडर ज़रूर हैं, पर वो एक ऐसे लीडर हैं जो कि यहाँ पे अपने टीचर्स के वर्किंग को इम्प्रूव करके स्कूल की अचीवमेंट पे ध्यान दें। अब देखिए अगर वो बाकी चीज़ों पे ध्यान देंगे और स्कूल की अचीवमेंट या फिर बच्चों की अचीवमेंट पे ध्यान नहीं देंगे तो इससे क्या होगा कि उनकी जो इम्पोर्टेंस यहाँ पे उतनी नहीं रहेगी और साथ ही साथ यहाँ पे स्कूल का डेवलपमेंट भी नहीं होगा। चैप्टर का नाम आप समझिए और ऑप्शंस को तब गौर करिए। चैप्टर का नाम क्या है, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन। स्कूल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमें ऑर्गेनाइजेशन कैसे करना है, जो कि स्कूल से रिस्पेक्ट रखता हो, और लीडर यहाँ पे कौन है, लीडर यहाँ पे आपका हेडमास्टर हो सकते हैं, आपके टीचर हो सकते हैं, और इनका मेन एम क्या होना चाहिए, इनका मेन एम होना चाहिए स्टूडेंट अचीवमेंट ओनली, यानी कि बच्चे का अचीवमेंट और टीचर्स का इम्प्रूवमेंट। टीचर्स का क्या होना चाहिए, इम्प्रूवमेंट, और स्टूडेंट का क्या होना चाहिए, अचीवमेंट। ऐसे ऑप्शन को आपको ढूंढना है अपने पेपर में, क्योंकि यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन जो है वो स्कूल है और स्कूल के दो एम होते हैं, एक स्टूडेंट का अचीवमेंट, टीचर्स का इम्प्रूवमेंट, और दोनों को मिलके ही स्कूल का ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से लीड कर पाता है। इस क्वेश्चन का फोर्थ जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। अब चलिए मैं आप लोगों के साथ कुछ और क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगी। एक काफ़ी अच्छा सा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है टाइम टेबल से रिलेटेड। अब देखिए यहाँ पे बोल रखा है कि क्लास एट्थ का एक टाइम टेबल है, यानी कि ये आपका क्या है, किस तरीके का टाइम टेबल है, मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया था, ये क्लास टाइम टेबल है जो कि अलग अलग क्लासेस का होता है। एक टीचर्स टाइम टेबल भी होता है, एक आपका कॉमन टाइम टेबल भी होता है। अब देखिए यहाँ पे जो क्लास टाइम टेबल है क्लास एट्थ का, उसमें मैथमेटिक्स टीचिंग के लिए कौन सा पीरियड जो है सबसे अच्छा रहेगा मैथ्स के लिए। अब देखिए मैथ्स के लिए आपका ये पूछ रखा है कौन सा पीरियड सबसे अच्छा रहेगा,
फोर्थ पीरियड के बाद आपको पता है यहाँ पे होता है लंच। तो बच्चे यहाँ पे क्या हैं, बच्चों के माइंड में होता है कि लंच ब्रेक होने वाला है, लंच ब्रेक होने वाला है। तो कहीं ना कहीं फोर्थ पीरियड के ख़त्म होते होते बच्चे उतना ध्यान नहीं लगाएंगे, तो फोर्थ पीरियड में मैथ्स नहीं होना चाहिए। फिफ्थ पीरियड होता है लंच के जस्ट ब्रेक के बाद। अब ब्रेक के बाद बच्चों का ये होता है यार हमारा गेम यहीं पे बीच में छूट गया, तो बच्चे थोड़ा सा ऐसा होते हैं लेज़ी लेज़ी, उस समय वो बैग अनपैक कर रहे होते हैं, मतलब इस तरीके से वो अभी अभी ग्राउंड से ऊपर आए होते हैं, तो उतना ज़्यादा फोकस नहीं हो सकते, ये भी नहीं हो सकता। इसके अलावा फर्स्ट पीरियड में तो कई बच्चे तो थोड़ा सा यहाँ पे सुस्त सुस्त ही रहते हैं। क्यों सुस्त सुस्त रहते हैं, क्योंकि सुबह सुबह उठे हैं, इतना वॉक करके आए हैं, असेंबली से आए हैं, तो माइंड उतना अलर्ट नहीं होता। तो हम लोगों को क्या करना है, हम लोग अगर एक टाइम टेबल सेट कर रहे हैं तो मैथ्स का पीरियड हम सेकंड रख सकते हैं, थर्ड रख सकते हैं, सेवन्थ रख सकते हैं। तो इस तरीके का आपको मैथ्स का टाइम टेबल में, पीरियड टाइम टेबल के अंदर मैथ्स आपको इस तरीके से इंक्लूड करनी है। इस वजह से यहाँ पे हमें सेकंड पीरियड यहाँ पे करेक्ट दे रखा है। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। अब देखिए एक और क्वेश्चन यहाँ पे है जिसमें टीचर्स को क्या बोल रखा है, सेज ऑन अ स्टेज। सेज ऑन अ स्टेज जो है ये किस तरीके की टीचर्स को रिफ्लेक्ट करता है। सेज ऑन अ स्टेज मतलब एक ऐसी पर्सनालिटी, एक ऐसा व्यक्ति जो कि एक ऐसी बात को आपके सामने बोलेगा जो कि आपको इम्प्रेस कर देगी। यानी कि ये लेक्चर्स को यहाँ पे एक तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है, और क्योंकि लेक्चर एक तरीके से हम कह सकते हैं कि, या फिर आप कह लीजिए एक स्पीकर, लेक्चर नहीं कहेंगे तो एक स्पीकर कहेंगे, एक ऐसा स्पीकर जिसकी बात सुनना हम लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो देखिए यहाँ पे सेज ऑन अ स्टेज जो है वो एक ऐसे व्यक्ति के लिए बोला जाता है जो कि काफ़ी अच्छी तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस कर सके, या फिर एक अच्छा स्पीकर हो, इसके लिए बोला जाता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, एक्सपर्ट एक्सप्लेनर। यहाँ पे कॉपरेशन, यहाँ पे कोलैबोरेशन, यहाँ पे फैसिलिटेटर, ये सही नहीं होगा। सेज ऑन अ स्टेज मतलब जब वो स्टेज में है तो हम सिर्फ उसी की बात सुनेंगे, उसी से ही इन्फ्लुएंस होंगे। इसी वजह से यहाँ पे एक्सपर्ट एक्सप्लेनर शब्द यहाँ पे दिया गया है। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे क्लियर हुआ होगा, और इसी तरीके के इसी लेवल के क्वेश्चन यहाँ पे हमसे पूछे गए। अब देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको ये समझ में आ जाएगा। देखिए अगर आप यहाँ पे डीमोटिवेट हो रहे हैं कि हम लोगों के पास टाइम कम है, हम लोग चीज़ें किस तरीके से कवर करें, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चंस का लेवल बहुत 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 ज़्यादा टफ नहीं है। आपको देखना है कि कौन से एरिया से आपका क्वेश्चन पूछा गया है, किस तरीके का आपका क्वेश्चन पूछा गया है, और किस लेवल का क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेगा, और इस तरीके के क्वेश्चंस आपको यहाँ पे तैयार करना है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है जो मैंने आरटी में भी डिस्कस किया था, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रखा है कि स्कूल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है एसपीडी जो है ये मैंडेटरी किसके अंदर किया गया। तो देखिए यहाँ पे राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के अंदर किया गया। आपको बताना है कौन से सेक्शन के अंदर इसे यहाँ पे रखा गया है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। साथ ही साथ अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ पे मैं आपसे कुछ यहाँ पे बेसिक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी जिससे आपके टॉपिक्स और ज़्यादा यहाँ पे क्लियर होंगे। इसके अलावा यहाँ पर आपको एक और होमवर्क क्वेश्चन देना है। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन था जो कि था कि 85% ब्रेन डेवलपमेंट जो होता है वो आपका कितने ईयर तक होता है। तो देखिए किसी का कमेंट था कि यहाँ पे 85 की जगह क्या 90% होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे उनका डाउट यहाँ पे क्लियर है, 85-90 नहीं होगा, 85% जो क्यूमुलेटिव ब्रेन डेवलपमेंट है वो 6 वर्ष तक यहाँ पे हो जाता है। आई होप ये सेशन आप लोगों को हेल्प कर रहे हूँ, और इसी तरीके के सेशन आपके आते रहेंगे, और आप मेरे साथ जुड़े रहिए। अगर आपको यहाँ पे जो KVS एग्ज़ाम है इसके नोट्स चाहिए तो आपको स्क्रीन में स्टार्टिंग में नंबर दिख रहा था, आप उस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। बाकी आप अपनी तैयारी करते रहिए, इसी तरीके से हम आपसे जुड़े रहेंगे। इस वीडियो में इतना ही, अब मैं आपसे जल्दी ही मिलती हूँ अगले सेशन में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।